नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। जी हाँ दर्शकों, हिंदू धर्म में 16 संस्कार ऐसे होते हैं जिनका महत्व हिंदू धर्म के शास्त्रों वेदों में भी मिला है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 संस्कार कौन से होते हैं, इसका महत्व हिंदू धर्म के अनुसार संस्कार अनुष्ठानों की एक श्रृंखला है जो पारित होने के संस्कार के रूप में कार्य करते हैं। ये मानव जीवन के विभिन्न चरणों को चिन्हित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक विशेष आश्रम यानी जीवन के चरण में प्रवेश का संकेत देते हैं। संस्कार को आध्यात्मिक पोषण, मन की शांति और अंततः मोक्ष प्राप्त करने में मदद करने वाला कहा जाता है। संस्कार एक हिंदू जीवन के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण घटनाओं को आध्यात्मिक स्पर्श देते हैं। अब बात करते हैं पूर्व जन्म से मृत्यु के बाद तक क्या संस्कार होते हैं। संस्कार जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ हैं और इसे मनाया जाना चाहिए। समारोह संस्कारों के बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सम्मानित बड़ों, विद्वानों और प्रिय लोगों को शामिल करते हैं। हर कोई संबंधित व्यक्ति को अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए एक साथ हो जाता है। इस प्रकार अधिनियम और समारोह के लिए सामाजिक और धार्मिक मंजूरी है। संस्कार हमारे पारंपरिक प्रणालियों में महान समय परीक्षण उपकरण है जो एक महान व्यक्तित्व को तराशने में मदद करते हैं। शास्त्र सत्यापन के अलावा इतिहास में इन विधियों की महान प्रभावशीलता भी साबित करता है। नमस्कार दर्शकों, नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताएंगे कि वो 16 संस्कार कौन से हैं मानव के, हिंदू धर्म में कौन से 16 संस्कार माने जाते हैं। तो सबसे पहला संस्कार जो जीवन से पहले किसी भी मनुष्य का होता है वो गर्भगृह। सभी स्रोत इससे पहले संस्कार के रूप में पहचानते हैं। ये एक बच्चे के लिए उत्साहपूर्ण प्रार्थना है। ये दौर जारी रखने के लिए माता पिता के कर्तव्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। एक अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए उसकी माँ और पिता को शुद्ध विचार रखने चाहिए और शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। दुनिया में एक अच्छे बच्चे को लाने के लिए माता पिता की भूमिका निभाना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं दूसरा संस्कार जिसको बोलते हैं पुंसवन। पुंसवन क्या है? ये दूसरा संस्कार समारोह गर्भावस्था के तीसरे या चौथे महीने के दौरान किया जाता है। जब गर्भधान के पहले लक्षण दिखाई देते हैं तब प्रदर्शन किया जाता है। परिवार द्वारा बच्चे की अपेक्षा करने का कारण ये माना जाता है कि ये बच्चा जो वंश को आगे बढ़ाता है, पहले संस्कार यानी गर्भधान की तरह पुंसवन संस्कार भी परिवार के सदस्यों के लिए प्रतिबंधित है। अब बात करते हैं तीसरे संस्कार की। तीसरा संस्कार है सीमांत्रियोवान। ये संस्कार गर्भावस्था के 7वें महीने के दौरान किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रार्थना की जाती है। इस संस्कार का दूसरा महत्व गर्भवती माँ को पिछले 3 महीनों से चिंताओं से मुक्त करना है, क्योंकि गर्भवती महिला के लिए बहुत मुश्किल समय अवधि होती है। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वातावरण की शुद्धि के लिए, माता की शांति के लिए भगवान को अर्पित करने के लिए और एक शांतिपूर्ण और पवित्र बच्चे को जन्म देने के लिए पूजा की जाती है। यह संस्कार मुख्य रूप से प्रकृति में सामाजिक और त्यौहार है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को अच्छी आत्माओं में रखना है। भावी माँ को हर समय अच्छे विचार रखने चाहिए। उसे अपने घर में बाल गोपाल या लड्डू गोपाल की तस्वीर रखनी चाहिए। उसे अपने दैनिक कार्य करने के अलावा गीता और अन्य शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और रोमांचकारी पुस्तकों और फिल्मों से बचना चाहिए। सौर और चंद्र ग्रहण के दौरान एक महिला को किसी भी प्रकार के हथियारों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सामान्य समय के दौरान उसे हिंसक विचारों से बचना चाहिए। उसके पति को उन्हें शांत और हसमुख रखने में मदद करनी चाहिए। अब चौथे संस्कार की बात करते हैं जो है जातकर्म। जातकर्म क्या होता है? बच्चे के जन्म से 6 दिन पर किए जाने वाला जातकर्म घर की शुद्धि के लिए होता है। ये एक बच्चे को एक स्वच्छ वातावरण में रखने के लिए किया जाता है जहां वह किसी भी शारीरिक या मानसिक समस्या के प्रभाव में ना आ सके। इसे षष्ठी भी कहा जाता है। देवी षष्ठी बच्चों की रक्षक हैं। जात कर्म का पालन गृह पूजा होमा के साथ किया जाता है। अब 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। ये संस्कार 10वें, 11वें या 12वें दिन मंत्रों के साथ किया जाता है। बच्चे के जन्म के समय 27 नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार संस्कार पूरा करने पर बच्चे का नाम मिलता है।
जन्म समय की ग्रह स्थिति और नाम का पहला अक्षर होरा शत्रु से लिया गया है। बात करते हैं छठे संस्कार की, जो क्या है, निशंक राणा। निशंक राणा ये समारोह 40 दिनों या उसके बाद किया जाता है, लेकिन कुछ शास्त्र नामकरण संस्कार के समय इसकी अनुमति देते हैं। जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, इस संस्कार का कारण सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु आदि के प्रति आज्ञाकारी दिखना है। पंच महाभूत मीन्स पांच तत्व ये बच्चे की आयु और शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ाने वाले हैं। सातवां संस्कार कहलाता है अन्नप्राशन। ये संस्कार छठे महीने में किया जाता है, जब बच्चे को पहली बार ठोस भोजन अन्न दिया जाता है। मंत्रों का पाठ किया जाता है और विभिन्न देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। बच्चे को मीठा दलिया या चावल का हलवा दिया जा सकता है। अगर माता पिता पोषण, पवित्र, चमक, तेज या वैभव के इच्छुक हैं, उनमें से एक दही, शहद और घी के साथ प्रसाद मंत्रों का पाठ करते हुए बच्चे को दिया जाता है। अब आठवें संस्कार की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं चौड़ कराना या मुंडन। ये संस्कार पहली बार बच्चे के सिर के बालों को काटने के लिए किया जाता है। यह समारोह एक वर्ष की आयु के बाद एक शुभ दिन पर किया जाना है। यह समारोह शक्ति की बेहतर समझ और लंबे जीवन के विकास के लिए किया जाता है। बालों को पवित्र स्थानों पर काटकर अर्पित किया जाता है। ब्राह्मण बच्चे के स्वस्थ लंबे जीवन के लिए मंत्रों का जाप करते हैं। यह संस्कार पारिवारिक स्तर तक ही सीमित है। अब बात करते हैं कर्ण वेद की। कर्ण वेद क्या होता है? ये संस्कार तीसरे या पांचवें वर्ष में किया जाता है, जिसमें बच्चे के कान में छिद्र किया जाता है। सूर्य पूजा की शुरुआत के साथ माता पिता को पहले बच्चे के दाहिने कान को मंत्र ओ भगवान हम अपने कान से आनंद सुन सकते हैं के साथ संबोधित करना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छी बातें सुन सकें और एक अच्छी शिक्षा पा सकें। दसवां संस्कार, संस्कार नंबर 10 क्या है? यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत उपनयन या यज्ञोपवीतम एक पवित्र धागा पहनाने का समारोह है। जब बालक 5 साल का हो जाता है तो पवित्र धागा यज्ञोपवीतम पहनाना औपचारिक रूप से किया जाता है। ये संस्कार बच्चे के लिए दूसरा जन्म है, एक आध्यात्मिक जन्म। इसके बाद बच्चे को सभी अनुष्ठान करने के लिए अधिकृत किया जाता है। वेदों का अध्ययन गुरु से शुरू होता है। अब 11वां संस्कार आता है, जो है वेदारंभ। वेदारंभ मतलब वेदों और सिद्धांतों का अध्ययन। इस संस्कार में उपनयन के साथ किया जाता है। वेदारंभ गुरुकुल या पाठशाला में वेदों और उपनिषदों की शिक्षा है। प्रत्येक शैक्षणिक अवधि की शुरुआत में एक समारोह होता है, जिसे उपकर्म कहा जाता है, और प्रत्येक शैक्षणिक अवधि के अंत में एक और समारोह होता है, जिसे उपसर्जना कहा जाता है। 12वां संस्कार, समावर्तन। गुरुकुल में वेदों की औपचारिक शिक्षा की समाप्ति से जुड़ा हुआ ये समारोह है। जीवन के नियमों को सीखने के बाद वह अपने शिक्षक के आश्रम से घर लौटता है। जब वह अपने जीवन के नियमों के बारे में अपनी शिक्षा पूरी करता है, तो उसका पहला आश्रम ब्रह्मचर्य पूरा होता है। अब वह गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है और विवाह करने के लिए योग्य पुरुष माना जाता है। तो 13वां संस्कार क्या है? विवाह। 13वां संस्कार आता है विवाह, मैरिज। वैदिक हिंदू विवाह को संस्कार के रूप में देखा जाता है, जो एक पत्नी और एक पति की आजीवन प्रतिबद्धता है। यह एक पुरुष और एक महिला के बीच सबसे मजबूत बंधन है, जो उनके माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों की उपस्थिति में होता है। वर और वधु अग्नि हाथ में लेकर घूमते हैं। दुल्हन अग्नि में दाने डालती है और मंत्रों का जाप करती है। अब बात करते हैं 14वां समारोह क्या होता है, 14वां संस्कार क्या होता है, वो है वानप्रस्थ। ये समारोह 50 वर्ष या 60 वर्ष की आयु में किया जाता है। अपने जीवन के इस पड़ाव के शुरू होने के साथ व्यक्ति अपना गृहस्थ धर्म पूरा करता है और वानप्रस्थ आश्रम मीन्स वन में स्थिति में प्रवेश करता है। मनुष्य सभी सांसारिक गतिविधियों से खुद को निकालता है, जंगल में जाकर संन्यास लेने के लिए खुद को तैयार करता है। ये एक वानप्रस्थ का जीवन है। 15वां संस्कार क्या है? संन्यास। शरीर को छोड़ने से पहले एक हिंदू जिम्मेदारी और रिश्तों की भावना को जागृत करता है। एक सन्यासी संसार का त्याग करता है और भिक्षा पर रहकर अध्ययन और ध्यान का जीवन जीता है। और सबसे अंत में, अंत का सबसे संस्कार होता है अंत्येष्ट, शाब्दिक रूप से अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं, जिसे कभी कभी अंतिम संस्कार के रूप में जाना जाता है। अंतिम संस्कार से जुड़े कर्मकांड हैं,
जब मृत्यु आसन्न होती है तो मौत के बिस्तर पर सोने का एक छोटा टुकड़ा, तुलसी का पत्ता और गंगा जल की बूंदें व्यक्ति के मुंह में डाल दी जाती हैं। शव को उत्तर की ओर सिर के साथ जमीन पर रखा जाता है। बड़ा बेटा आमतौर पर अंतिम संस्कार करता है, जिसके पहले मंत्रों के जाप के बीच वह एक पवित्र स्नान करता है। मृत शरीर को धोया जाता है, सुगंधित किया जाता है और एक नए सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है और ये फूलों से सजाया जाता है। मृत्यु के 10 दिनों तक अंत्येष्ट की क्रिया करने वालों के लिए घर पर भोजन तैयार नहीं किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें ऐसी जानकारी बताने के लिए उत्साहित कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।